नमस्कार। जैसा कि आपको विदित ही है, शब्द सृष्टि प्रतिष्ठान भारतीय भाषाओं के समन्वय, संवर्धन और विकास के क्षेत्र में कार्य करता है और विगत वर्ष से इस प्रतिष्ठान ने डॉक्टर विजया जीवन गौरव सम्मान समर्पित करने का संकल्प लिया और ये प्रथम सम्मान समर्पित था हिंदी समालोचना के शिखर पुरुष, विद्वान वक्ता, रस सिद्धांत के पुरोधा आचार्य आनंद प्रकाश दीक्षित को। डॉक्टर आनंद प्रकाश दीक्षित का सार्वजनिक रूप से किसी कार्यक्रम में सहभागी होने का ये अंतिम अवसर था, क्योंकि 5 नवंबर को विगत वर्ष वे हमें छोड़कर चले गए। उनका स्मरण करते हुए, उन्हें नमन करते हुए हम 1 जुलाई 2019 को आयोजित उस कार्यक्रम का संपादित भाग आपके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं। डॉक्टर आनंद प्रकाश दीक्षित के विषय में अपने विचार व्यक्त करते हुए कथाकार, साहित्यकार, कवि डॉक्टर दामोदर खड़से। डॉक्टर आनंद प्रकाश दीक्षित एक प्रखर चिंतक, मुखर वक्ता, स्पष्टवादी और दृढ़ निश्चय। बावजूद इसके वे सर्वमान्य और अजात शत्रु रहे। जब भी वे किसी कार्यक्रम में बोलने के लिए उपस्थित होते, लोगों का ध्यान उनकी बातों की ओर होता। मैं एक बात कभी नहीं भूल सकता उनकी कि एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा था कि वक्तव्य, भाषण या जो कुछ भी हम बोलते हैं वह हमेशा संतुलित होना चाहिए, क्योंकि जो कुछ भी कहा गया शब्द है वह ब्रह्मांड में घुल जाता है, लोगों के मन मस्तिष्क पर छा जाता है, उसे फिर से स्पष्ट करने की जरूरत होने के बावजूद संभावना कम रह जाती है। यह संभावना लिखते समय होती है। जब भी हम गलत शब्द इस्तेमाल करते हैं, लिखते हैं, उपयोग करते हैं, उसमें हम काट छांट कर सकते हैं और अपनी बात को जैसा हम चाहते हैं अंतिम रूप दे सकते हैं। लेकिन बातचीत में, संभाषण में, विशेष रूप से भाषण और वक्तव्य में ये संभावना बहुत कम होती है, लगभग नहीं के बराबर होती है। यह बात मेरे मन में हमेशा, जब भी कोई बात कहने के लिए उपस्थित होता हूँ, हमेशा मेरे मन में होती है। वे जो कुछ भी कहते थे, वक्तव्य देते थे, भाषण करते थे, वह सारा कुछ उनके आचरण में होता था। इस कारण उनकी बात को बहुत महत्व समाज देता रहा, आज भी देता है। जब भी हम देखते हैं कि एक शिखर पुरुष के रूप में वे अपनी उम्र के 96 वर्ष में भी निरंतर नई स्थितियों की, नई बातों की, नई रचनाओं की वे खोज किया करते थे, इसलिए उनका मत प्रवाह कभी भी पुराना नहीं हुआ। कभी भी वे इतिहास में जाकर अपने समय को न्यायोचित ठहराकर वर्तमान को कुछ धूमिल करने की स्थिति में नहीं होते थे। उनके पास अतीत था, उनके सामने वर्तमान था और उनके आगे भविष्य हमेशा होता था। इन तीनों को साधते समय जब वे नई पीढ़ी से भी बात करते थे, तब पहले सुनते भी थे ताकि नई पीढ़ी क्या सोच रही है इसका अंदाज वे कर सकते थे। वे त्रिकालदर्शी रहे, स्पष्टवादी रहे, तमाम तरह की विद्वत्ता उनमें रही, प्रखर वक्तव्य उनका रहा और समाज को हमेशा कुछ नया देने की उनके मन में एक छटपटाहट थी। और ऐसी स्थिति में जब वे हमारे बीच बात करते थे, उनका सानिध्य
जब हमें मिलता था तो हम अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझते रहे। उनके इस व्यक्तित्व को लेकर, उनकी इस विद्वत्ता को लेकर और उनके इस पूरे आचरण को लेकर पूरा समाज उन्हें बड़ी उत्सुकता से, बड़ी आशा से देखा करता था। हम बड़े सौभाग्यशाली रहे कि उनका सानिध्य हमको मिला, उनके विचार हमारे बीच रहेंगे और हम निरंतर यह कोशिश करते रहेंगे कि उन्होंने जिस प्रकार का मार्गदर्शन, जिस प्रकार का एक दिशा हम लोगों को दी, उसको हम अपनी निगाह में हमेशा सामने रखें। विद्यापीठ कुलगुरु आणि साहित्य संमेलनाचे अध्यक्ष असलेले डॉक्टर नागनाथ प्रतापल्लेजी, हिंदी साहित्यातील मान्यवर पुणे विभाग विद्यापीठातील विभाग प्रमुख डॉक्टर रामजी तिवारीजी, व्यासपीठावर विराजमान शब्दसृष्टीचे संस्थापक संपादक डॉक्टर मनोहरजी, या कार्यक्रमाचे संयोजक डॉक्टर सुनील दुर्जेजी, मी सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे ज्यांच्या स्मृत्यर्थ हा आपण कार्यक्रम करतो आहोत, ज्यांनी शब्दसृष्टीची स्थापना केली आणि याला एक मोठं असं व्यापक रूप निर्माण करून दिलं, त्या डॉक्टर रिजियाजी आज आपल्यात नसल्या ते त्यांनाही मानवंदना करून मी इतरही इथे उपस्थित असलेल्या अनेकांचे मान्यवर आहेत आपल्या व्यासपीठावर, बरेच जण माझ्यापेक्षा ज्येष्ठ आणि श्रेष्ठ असलेले मान्यवर आहेत, त्या सर्वांचे मी ते स्वागत करतो आणि थोडक्यात परिचय करून देतो। प्रमुख साहित्य विश्वामध्ये ज्यांचं नाव अतिशय आदराने घेतलं जातं, खरं म्हणजे ज्यांना ऋषितुल्य व्यक्तिमत्व बोललं जातं, असे डॉक्टर आनंद प्रकाश दीक्षितजी पौनशतक जवळपास ते आज साहित्य निर्मिती करत आहेत आणि आज त्यांच्याकडे बघितलं की असं वाटतं आपल्याला अजून खूप काही करायचं आहे। तुम्हा आम्हा सर्वांनाच एक जिव्हाळ्याचं, एक आदराचं असं स्थान, ज्यांच्यासमोर नतमस्तक व्हावं अशी जी विरळ व्यक्तिमत्व आहे, अशा व्यक्तिमत्वांमध्ये डॉक्टर आनंद प्रकाश दीक्षितजींचं आपण नाव घेत असतो। हिंदी साहित्य त्यांच्यासाठी अतिशय जिव्हाळ्याचं, तेच खरं म्हणजे त्यांचं कार्यक्षेत्र। हे कार्य करीत असताना आज हिंदी साहित्याचे जेव्हा मापदंड मोजले जातात तेव्हा प्रत्येक वेळेला आनंद प्रकाश दीक्षितजी यांचं नाव घेतल्याशिवाय हिंदी साहित्याला वाटचाल करताच येत नाही, कोणतेही विचार मांडताच येत नाही। सर्वप्रथम शब्दसृष्टी के प्रेरणास्रोत श्रद्धेय गुरुवर या डॉक्टर चंद्रकांत बांदिवडेकर सर को विनम्र अभिवादन तथा शब्दसृष्टि प्रतिष्ठान के संस्थापक और शब्दसृष्टि पत्रिका के संस्थापक संपादक व मेरी विगत जीवन की साथी संगिनी कृतिशेष डॉक्टर विजया को वंदन नमन।
शब्द सृष्टि डॉक्टर विजया स्मृति जीवन गौरव सम्मान यह प्रथम सम्मान साहित्य समीक्षा और शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वाले ऋषि तुल्य श्रद्धेय आचार्य डॉक्टर आनंद प्रकाश दीक्षित पुणे इनको प्रदान किया जा रहा है। इस सम्मान का स्वरूप है सम्मान चिन्ह, सम्मान पत्र और रुपए 11,000 की सम्मान राशि। यह सम्मान ग्रहण करने के लिए दीक्षित जी ने सहर्ष स्वीकृति देकर इस सम्मान का तथा शब्द सृष्टि का सम्मान ही नहीं बढ़ाया अपितु शब्द सृष्टि परिवार को उनका आशीर्वाद भी प्राप्त हुआ है। उनके लिए व्यक्तिशः मैं और शब्द सृष्टि परिवार उनका ऋणी है। प्राध्यापक मनोहर द्वारा इस तरह का वक्तव्य और स्मरण होता है ऐसा, कहा हो तुम अपनी जरा सी अनुपस्थिति में बहुत सारा उपस्थित होकर स्मृतियों का कैसा संसार रचाया है तुमने। निसंदेह आज जिस स्मृति में ये जीवन गौरव सम्मान प्रदान किया जाना है, बहुत कम ऐसे अवसर होते हैं जहाँ सम्मान स्वयं प्रतिष्ठा पाता है, स्वयं सम्मानित होता है, जिस व्यक्ति के प्रति ये समर्पित होता है। सम्मान जीवन गौरव सम्मान शब्द सृष्टि डॉक्टर विजया स्मृति जीवन गौरव सम्मान समर्पित करने की मैं डॉक्टर राम ताकवली जी और नागनाथ कोतापल्ली जी, रामजी तिवारी जी सभी से आग्रह करता हूँ कि आदरणीय आचार्य आनंद प्रकाश दीक्षित के प्रति शब्द सृष्टि डॉक्टर विजया स्मृति जीवन गौरव सम्मान प्रदान करें। दीक्षित जी का चयन किया है। हमारे पूरे परिवार में, घर में उस दिन हर्ष की इतनी लहरें उठी कि मेरे लिए वह दिन एक ऐतिहासिक दिन रहा, क्योंकि मेरा पूरा परिवार डॉक्टर दीक्षित जी, डॉक्टर दीक्षित जी के पूरे परिवार के साथ बहुत ही निकटता से जुड़ा हुआ है। और मैं कई बीमारियों के बावजूद आज कई महत्वपूर्ण कार्यों में जो जुटा हुआ हूँ, उसकी पूरी प्रेरणा आदरणीय दीक्षित जी की मुझे मिली हुई है। इसलिए जब मनोहर जी ने मुझसे कहा कि आप सम्मान पत्र को शब्दांकित करेंगे क्या, मेरे लिए बहुत ही खुशी हुई और मैंने सहर्ष कहा कि मैं जरूर वो सम्मान पत्र उस शब्दांकित करूँगा। सम्मान पत्र इस प्रकार है। आदरणीय, भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में मेरठ का योगदान इतिहास के पन्नों पर स्वर्णाक्षरों में अंकित है।
हमारा सौभाग्य है कि हमें उसी इतिहास प्रसिद्ध मेरठ के एक सुपुत्र तथा वर्तमान में विद्यानगरी पुणे के विद्वान आचार्य का साहित्य संसार में अतुलनीय योगदान के लिए सम्मान करने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। शब्द सृष्टि प्रतिष्ठान को आपके महान साहित्यिक योगदान पर गर्व है। प्रतिष्ठान की ओर से दिया जाने वाला प्रथम शब्द सृष्टि डॉक्टर विजया स्मृति जीवन गौरव सम्मान आपको प्रदान कर हम स्वयं को गौरवान्वित अनुभव करते हैं। आपकी प्रारंभिक तथा उच्च शिक्षा जन्मभूमि मेरठ में हुई। सन 1948 में हिंदी में एमए करने के पश्चात आपके प्राध्यापकीय कार्य का आरंभ हुआ। सेंट एंड्रयूज कॉलेज गोरखपुर, गोरखपुर विश्वविद्यालय, राजस्थान विश्वविद्यालय तथा पुणे विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में आपके कौशलपूर्ण अध्यापन, सृजनात्मक लेखन, मौलिक शोध कार्य तथा प्रेरणादायी शोध निर्देशन से न केवल सैकड़ों छात्र लाभान्वित हुए हैं बल्कि स्वयं ये संस्थाएं भी विश्व विख्यात हुई हैं। आपकी साहित्य यात्रा ने 8 दशक पूरे किए। इतने दीर्घ काल तक किसी का साहित्य सृजन से जुड़े रहना अपने आप में अभिनंदन का महत्वपूर्ण आधार है। आपकी साहित्य रुचि, दृढ़ संकल्प, परिश्रम, निष्ठा और समर्पण भावना ने इस महत्वपूर्ण आधार को विपुलता, विविधता, स्तरीयता तथा सर्वमान्यता जैसे अन्यान्य आयाम प्रदान किए हैं। आरंभ में आपने कहानी, कविता, निबंध आदि विधाओं में लिखा। आपकी असाधारण बौद्धिक तेजस्विता, निरक्षीर विवेक क्षमता, प्रश्नाकुलता और तटस्थ निर्णय क्षमता आदि गुणों ने आपको काव्य शास्त्री के रूप में स्थापित किया। शोध प्रबंध पर आधारित आपका ग्रंथ रस सिद्धांत स्वरूप विश्लेषण विद्वत मान्य है। पाठालोचन के क्षेत्र में आपका कार्य विद्वानों के लिए दिग्दर्शक सिद्ध हुआ है। मध्ययुगीन कवियों की ग्रंथावलियों का सुसंपादन, रीतिकालीन विस्मृत कवियों पर दर्जनों शोधालेख आपके गहन अध्ययन के प्रमाण है। आधुनिक काव्य कृतियों पर आपकी सैकड़ों समीक्षाएं विविध पत्र पत्रिकाओं तथा ग्रंथों में प्रकाशित हुई हैं। साथ ही अभिनंदन ग्रंथों का संपादन, संस्मरण लेखन तथा विश्लेषण विवेचन से युक्त भूमिका लेखन से सिद्ध हुआ है कि आप आधुनिक साहित्य के भी मर्मज्ञ आचार्य हैं। आपके अनुवाद कार्य से हिंदी रहस्य चिंतन को नए आयाम प्राप्त हुए हैं। यह सर्वथा उचित ही है कि देश की विविध शासकीय तथा अन्य प्रतिष्ठित संस्थाओं ने आपके साहित्यिक योगदान के लिए समय समय पर आपको सम्मानित किया। साहित्य अकादमी का भाषा सम्मान, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का भारत भारती संस्थान आपके कार्य की अखिल भारतीय स्तर पर मान्यता के प्रमाण है। हम आपका अभिनंदन करते हुए ये कामना करते हैं कि जीवेत सर्वदा शतम। धन्यवाद। डॉक्टर विजया की स्मृति में एक सम्मान घोषित हुआ, तो पहला सम्मान आदरणीय गुरुवर डॉक्टर दीक्षित को मिल रहा है और इस सम्मान में निश्चय ही हम सब अपने को बहुत सम्मानित अनुभव कर रहे हैं। उनका एक बहुत बृहत्तर शिष्य समाज है। यहाँ जो लोग बैठे हैं वो तो प्रसन्न है, बाहर भी जो होंगे देश में विदेश में इस समाचार से वो भी गदगद होंगे, हर्षोन्मत्त होंगे और एक बात आपको धन्यवाद देंगे। आज डॉक्टर विजया जी का स्मरण होना स्वाभाविक है। आश्चर्य होता है याद करके भी कि इस प्रकार का नैष्ठिक विद्या व्यसन शायद ही किसी में मिलता हो कि श्वास ठीक नहीं है, तरह तरह की परेशानियां हैं,
लेकिन फिर भी वे निरंतर पढ़ती और लिखती रहती थी। मराठी भाषा की अध्येता थी, लेकिन अपने श्रम से, अध्यवसाय से और अपने स्वाध्याय से उन्होंने हिंदी में भी महारत हासिल की और उसी सफलता से, उसी सहजता से हिंदी में भी लेखन कार्य करती थी। आज हम सब उन्हें स्मरण कर रहे हैं, हमारी श्रद्धांजलि उन तक पहुँचे और उन्हें इसी तरह का अमरत्व मिले। शब्द सृष्टि से मैं उसके जन्म काल से जुड़ा हुआ हूँ, जैसा कि डॉक्टर मनोहर जी ने बताया, और बहुत ही सदुद्देशों को ध्यान में रख करके इसका निर्माण किया गया, गठन किया गया, और शब्द सृष्टि उसमें अधिकांश को पूरा करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। एक बहुत बड़ी जरूरत महसूस की जा रही थी कि हिंदी और मराठी विद्वानों के बीच तो आसपास आती है, अनुवादों के माध्यम से तो आती है, लेकिन सामान्य पाठक दोनों को एक जगह पर न पढ़ पाता है न समझ पाता है। और जब हम किसी साहित्य को, किसी भाषा में छपी हुई सामग्री को पढ़ते हैं, तो केवल भाषा और साहित्य नहीं, उन दो समाजों की संस्कृति को भी जानने का प्रयत्न करते हैं। एक सहज भूमिका बनती है, हम दोनों समाजों को समझते हैं, और ये पूरी काम शब्द सृष्टि बड़ी निष्ठा के साथ कर रही है, करती रहेगी, ऐसा उसका अपना संकल्प है। यहाँ पर आदरणीय गुरुवर का सम्मान हो रहा है। मुझे कहा गया कि मैं उनके संबंध में कुछ बोलूं। हमारे गुरुवर का एक वैशिष्ट्य यह रहा कि जहां कहीं भी वैशिष्ट्य है, गुण है, तत्व है, मूल्य, उसको वो स्वीकारते, इसलिए नई से नई कविता को पढ़ते हैं और पढ़ करके उसमें जो मूल्यवान है, ग्रहणीय है, पठनीय है, उसको वो रेखांकित करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा उदार तत्व है जो उन्हें आज तक जोड़े हुए है। इसलिए आपको बहुत से लोगों का आश्चर्य होगा, आज ही बात हो रही थी, अभी भी वो 5-6 घंटे लिखते हैं। तो ये आसान बात नहीं है, ये बहुत असाधारण बात है और ये आंतरिक ऊर्जा है। तो 2-3 बातें रहीं और एक बात ऐसी भी रही कि उन्होंने कभी किसी मौके पर किसी बात के लिए समझौता नहीं किया। ये व्यक्तित्व का ऐसा प्रखर पक्ष है जहां अगर उन्हें वो सही लगा, तर्क संगत लगा, तो न तो पारंपरिक रूढ़ियां और न ही युवाओं के दुराग्रह कोई भी चीज उन्हें बाधित नहीं कर सकी, उसको वह क्षुण बनाए रखे। इसीलिए उनकी मौलिकता पर कोई आधार नहीं आया और वो बनी रही, यद्यपि इसके खतरे कम नहीं है। मौलिकता के खतरे बहुत सारे होते हैं और वो खतरे वो उठाते रहे, लेकिन हर चुनौती, हर संघर्ष उनके लिए एक परीक्षा रही जिसमें वो निकलते रहे। तो 2-3 चीजें थी, एक तो ये कि कठोर श्रम, एक ये अनाहत बिना थके काम करते रहना श्रम, और श्रम के बारे में बर्टन्ड रसल ने एक परिभाषा दी, वो कहता है कि इनफाइनाइट कैपेसिटी ऑफ वर्किंग हार्ड इज जीनियस, श्रम करने की अनंत क्षमता का नाम प्रतिभा है। क्योंकि अगर आप श्रम नहीं करेंगे तो प्रतिभा कुंठित हो जाएगी,
तो एक तो उनके साथ ये रहा और बहुत ही उदात्त जीवन आदर्श एक ये भी रहा, जहां से डिगने का नाम उन्होंने कभी लिया नहीं। और तीसरा निरंतर एक निष्ठ साहित्य चिंतन। तो जो ये त्रिवेणी में तीन धाराएं आई, वो एक तो कठोर श्रम, दूसरा साहित्य चिंतन, और तीसरी बात मैंने जो कही जीवन का आदर्श। क्योंकि साहित्य से काट कर जीवन देखा नहीं जा सकता, जीवन से जुड़कर ही साहित्य की महानता सिद्ध की जा सकती है। और इस त्रिवेणी से जो उपलब्धियों की सुदीर्घ श्रृंखला बनती चली गई, वो निश्चित रूप से अपरिमेय है, चाहे वो उनके ग्रंथों के द्वारा, चाहे सम्मानों के द्वारा, चाहे संस्थाओं के जुड़ाव के द्वारा, चाहे लोक में उनकी प्रतिष्ठा के कारण। तो ये सारा उनको मिलता रहा, और जो नहीं मिला वो मानते रहे कि ये हमारा था ही, इससे हमारा कोई मतलब नहीं है। इसलिए न तो कोई प्रलोभन उसे खींच सका, न कोई प्रभाव उन्हें दबा सका। केवल एक चीज काम करती रही और वो थी प्रेरणा। तो प्रेरणा, प्रभाव और जो दबाव की सिद्ध प्रलोभन है, इनमें केवल उन्होंने प्रेरणा को अपनाया, वो सद प्रेरणा। सद प्रेरणा नहीं, जो अच्छी प्रेरणाएं थी उसको उन्होंने विवेक से अपनाया, और एक बहुत बड़ा समाज उन्होंने तैयार किया। आदरणीय डॉक्टर ताकोबले, डॉक्टर कोटापल्ले जी, डॉक्टर मनोहर, डॉक्टर देवधर, यहाँ तो सभी डॉक्टर हैं। और मित्रों, मैं अध्यापक हूँ, अध्यापक रहा हूँ। आज अध्यापक की अपेक्षा मैं विद्यार्थी हूँ। मेरा एक क्रम बदल गया है, मैं विद्यार्थी से अध्यापक बना और अध्यापक से मैं फिर विद्यार्थी बन गया। और मैं समझता हूँ कि यही जीवन का एक विशेष क्रम है जिसे लोगों को निभाना चाहिए। मैं तो अध्यापक हूँ, यहाँ से मैंने बात आरंभ की। उसका एक विशेष कारण और भी है, अध्यापक की वृत्ति मुझे विवश करती है कि मैं एक घंटा तो बोलूं। तीस पैंतीस साल पढ़ाया, अभ्यास हो गया बोलने का, और जीवन में मैंने कभी बैठकर नहीं पढ़ाया, कभी नहीं। मुझे बुरा लगता है बैठकर पढ़ाना, संभव ही नहीं होता, अंदर से उद्गार ही नहीं आता। इसलिए मैंने प्रार्थना की कि मैं खड़े होकर के ही अपनी बात कहूंगा, तो आप निश्चिंत रहे मैं घंटा भर नहीं बोलूंगा। मुझे मालूम है कि हम दुर्दिन से गुजर रहे हैं, आज आज मेघाच्छन्न समय है, मैं वो नहीं करूंगा। लेकिन उसमें मेरी सहायता मेरे कुछ कानों ने भी की है। मैं जानता हूं कि इतनी देर से जो आप भाषण कर रहे हैं उसमें बहुत कुछ आपने मेरे विषय में कहा है। मैं मान लेता हूं
कि आपने जो कुछ कहा है वो प्रशंसात्मक ही कहा है, निंदात्मक तो नहीं है, लेकिन मेरे कान तक वो नहीं पहुंचता। ये कान बंद हो चुके हैं, अब मैं किसी की नहीं सुनता। मुझसे बहुत आग्रह करते हैं घर में बच्चे, वो लगवा लीजिए। मैं कहता हूं मैं बहुत अच्छा हूं, सुखी हूं। अब ये अवसर आ गया कि अब किसी की बात सुनो। दूसरा काम जो मैं करता हूं वो ये कि मैं मौन रहता हूं। अब मैंने बोलना बंद कर दिया है। आज आपसे बोल रहा हूं, लेकिन घर में लोगों से पूछिए, उन्हें बड़ी कठिनाई पड़ती है कि बोलता ही नहीं, मैं मौन रहता हूं। अब यह समय शांति का आ गया, मौन का समय है। मैं अपने अंदर मग्न रहता हूं, अपने अंदर सोचता हूं, बाहर की दुनिया से अब मुझे लगाव नहीं है। लेकिन इन बातों को अलग कर दें, व्यक्तिगत बातें हैं, मैं अपनी बात सभा में जो कार्य हुआ है और जो आयोजन जिस तरह हुआ है उसके विषय में मैं कुछ आपसे निवेदन कर दूं। मित्रों, ये मेरा सौभाग्य है कि मैं इस संस्था से अपने आप को सम्मानित पा रहा हूं। जिनकी स्मृति में ये काम हो रहा है, डॉक्टर विजया की, और जो इस संस्था की स्थापना जिन्होंने की है, वो स्वर्गीय राम का चित्र है, वो बड़ी मेरे पास शब्द नहीं है इसलिए मैं कह रहा हूं कि वो बहुत पुरुषार्थी थी। अब महिला के लिए पुरुषार्थी कहना मुझे जरा विचित्र सा लगता है। कोई हिंदी में कोई शब्द ही नहीं है कि जो महिला की शक्ति को बता सके, वो पुरुषार्थी थी। उन्होंने अपने बल पर ये संस्था खड़ी की और इस संस्था का मूल वे ही जान सकते हैं जो दूसरे प्रदेशों में एक भाषा से दूसरी भाषा के संबंध में कार्यरत होते हैं। वे हिंदी और मराठी के बीच सेतु तैयार कर रही थी। एक विचित्र चीज है कि शब्द सृष्टि ये दोनों मात्रा सृष्टि पर लगी हुई है। मैंने पहली बार देखा था तो मैं चौंक गया था उससे, लेकिन मैं उनकी अंतरात्मा को समझ सका इस बात से कि वो कैसा योग दोनों का चाहते हैं, दोनों भाषाएं मिलकर के रहे। उसके लिए उन्होंने बहुत काम किया। यहाँ डॉक्टर मनोहर ने उनके विषय में कुछ बातें बताई हैं, ऐसा मेरा अनुमान है, और मैं इस बात को देख करके चकित हुआ। मैंने जब उनके विषय में उनका बायोडाटा पढ़ा
तो मैं चकित हुआ कि उन्होंने इतनी बहुसंख्यक पुस्तकें लिखी हैं हिंदी में, मराठी में, बंगला से अनुवाद किया है, गुजराती से अनुवाद किया है, मराठी से अनुवाद किया, तमाम कई कई भाषाओं से अनुवाद किया है, मौलिक लेखन किया है। और मैं प्रमाण हूं इस बात का कि उनका मौलिक लेखन बड़ा ही समर्थ और चिंतनपूर्ण था। मैंने उनके लेख पढ़े और तब तक मैं उन्हें जानता नहीं था, मैंने उन्हें देखा नहीं था, मैं चकित हुआ। उन्होंने जो कल्पना भी हम नहीं कर सकते वो काम करके दिखाया। यहाँ इस शहर के बड़े ही प्रतिष्ठित नागरिक और लेखक डॉक्टर दामोदर खड़से हैं, यहाँ इस समय उपस्थित नहीं है हमारे दुर्भाग्य से, लेकिन डॉक्टर दामोदर खड़से ने जो कविताएं लिखी हैं उनमें नदी बार बार आती है और नदी के प्रतीक इतने बनाए हैं उन्होंने कि मेरी समझ से भी बाहर हो जाते हैं। वो विजया जी ने उस नदी को लेकर न केवल दामोदर खड़से की कविताओं को समझा और उनका व्याख्यान किया, बल्कि भारत में जो नदियां हैं, जो उनका स्रोत और उनका अंतिम चरण कैसा है, कि यात्रा क्या है इन नदियों की, इस पर पूरा एक ग्रंथ लिख डाला। नदियों पर एक साहित्यकार लिख रहा है, ज्योग्राफी वाला आदमी नहीं, भूगोल वाला नहीं, एक साहित्य का शब्दों का खेल करने वाला आदमी नदियों पर लिख रहा है। विचित्र बात है, लेकिन उन्होंने जो लिखा पढ़ने लायक पुस्तक है। मैं उसे कई बार देखता हूँ, पढ़ता हूँ और सोचता हूँ कि मैं नहीं लिख पाता। ऐसी महिला, उन्होंने जीवन में पीड़ा बहुत सही, मतलब वो बीमार रही बहुत समय, कितनी बार मनोहर जी के साथ और प्रिंसिपल आंगड़ेकर जी के साथ मेरे यहाँ वो आई, लेकिन कभी उनकी किसी चेष्टा से या उनके किसी कथन से ये अंदाज मुझे कभी नहीं हुआ कि वो बीमार भी हैं। उन्होंने व्यक्त ही नहीं होने दिया इस चीज को, और मैं समझता हूं कि मनोहर जी भी बहुत कुछ अंधेरे में रहे, वो भी बहुत कुछ अंधेरे में रहे, लेकिन उन्होंने कभी उस भाव को व्यक्त नहीं किया। ऐसा पुरुषार्थशाली व्यक्तित्व, उन्हें मैं नमन करता हूं, उन्हें प्रणाम करता हूं, उनका स्मरण करता हूं और अपना सौभाग्य समझता हूं कि आज उनके नाम से जो पुरस्कार या सम्मान गौरव आरंभ किया है मनोहर जी ने, वो उसका पहला प्राप्तिकर्ता मैं मान लिया गया हूं। मित्रों, मैं आपसे थोड़ी बात और कहना चाहता हूं। मैंने ये सम्मान जो आज है इसको
बड़ा गौरवपूर्ण माना है, इसलिए कि ये बड़ी आत्मीयता से दिया गया है, इसमें कोई व्यावसायिक बुद्धि नहीं है, कोई व्यावसायिक बुद्धि नहीं है। हमारे ज्येष्ठ मित्र बैठे हुए हैं, आप लोग जानते होंगे इस बात को कि विदेशों से लेकर के इस देश तक अनेक व्यावसायिक ऐसी संस्थाएं हैं, हु वगैरह वाली, जो इस तरीके के जीवन गौरव पुरस्कार देती हैं। और जीवन गौरव पुरस्कार में वो करते क्या है कि जीवन गौरव पुरस्कार तो हम आपको दे रहे हैं, लेकिन इसका जो हम आपको गोल्ड मेडल देंगे, उस गोल्ड मेडल का पैसा आप दे दीजिए। मांगती हैं वो। मैं इस बात का साक्षी हूं और मैंने निवेदन किया ऐसी संस्थाओं से कि बाबा मुझे बख्शो, मैं खरीदता नहीं, मनोहर जी ने मुझसे प्रस्ताव किया तो मैंने स्वीकार कर लिया, इसलिए कि मैं उनकी आत्मीयता को, उनके हृदय से निकली हुई बात को समझता हूँ। उन्होंने व्यावसायिक बुद्धि से कोई काम नहीं किया। मैं अपने आप को बहुत अधिक आदृत समझता हूँ इस बात में कि उन्होंने मुझे इस योग्य पाया। एक बात यहाँ शायद कुछ विद्यार्थी वर्ग कोई हो, मैं नहीं जानता, 20 साल से मिलना नहीं हुआ आप लोगों से, लेकिन अगर विद्यार्थी कोई है तो मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि एक अध्यापक के नाते ही मैंने जो कुछ किया है वो आलोचना के क्षेत्र में किया है। मैं सर्जक नहीं हूं, मैं कविता और कहानियां और उपन्यास नहीं लिखता, मेरे बस की बात नहीं है। एक कोता पंडित जी के मैंने उपन्यास पढ़े हैं, मुझे बहुत अच्छे लगे और मैंने चाहा भी था कि उनका मैं अनुवाद करूं, क्योंकि मैं अनुवाद भी अपनी इच्छा से करता हूं, किसी के कहने से नहीं करता। तो मैंने चाहा था, मगर तब तक ये औरंगाबाद चले गए भाई चांसलर होकर के, मैं बैठा रह गया। बहुत अच्छे उपन्यास हैं उनके, लेकिन मुझ में ये शक्ति कभी पैदा नहीं हुई। मैं तरसता रह गया कि मैं लिख सकूं, मैं नहीं लिख सका। मैं शुद्ध आलोचक हूं और आलोचक द्वितीय श्रेणी में आता है मेरी दृष्टि से। मैं उसे सर्जक की श्रेणी में नहीं रखता, वो दूसरी श्रेणी में आता है। मगर ये आलोचक जो दूसरी श्रेणी में आता है वो तभी तक आता है जब तक कि वो दूसरों को पढ़ कर के कुछ लिखता रहता है। मेरी ये अनिवार्यता है कि मैं कोता पंडित जी को पढ़ूं तब तो लिखूं। कोई आलोचक अपनी तरफ से सीधे नहीं लिख सकता कुछ भी, तो मुझे तो इन पर निर्भर रहना पड़ेगा, इसलिए मैं द्वितीय श्रेणी का हूं। मगर एक दिन कोता पंडित जी भी मुझे नमस्कार करेंगे, इसलिए कि मैं ये काम करते 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 एक ऐसी जगह पहुंच जाऊंगा किसी दिन, अगर मैं लगन से कर रहा हूं, अगर मैं सावधानी से कर रहा हूं, तो मैं एक ऐसे दिन ऐसे जगह पहुंच जाऊंगा
कि जहां उनके लेखन के लिए दिशा दे सकूं। आचार्य वर्ग यही करता है, आखिर काव्य शास्त्री यही करते हैं, उनको भी मेरी बात माननी पड़ेगी, पढ़ना पड़ेगा। तो ये आलोचक का धर्म एक विचित्र धर्म है, जो एक विद्यार्थी के कर्म से चलता है और आचार्य तब प्राप्त करता है। मित्रों, मैं आलोचक हूं, लेकिन मैं आलोचक से अधिक विद्यार्थी हूं, और विद्यार्थी जितना मेरी आयु बढ़ती जाती है उतना ही अधिक विद्यार्थी होता जाता हूं। कारण विद्यार्थी क्या है? विद्यार्थी माने ज्ञानार्थी, विद्यार्थी माने विद्या को प्राप्त करना, के इच्छा जिसमें हो वो विद्यार्थी। मैं कोई आलोचक हो, उस आलोचक से ये विद्यार्थीपन नहीं जा सकता। उसे जो वो पढ़ता है, जो पुस्तक उसके सामने होती है, उस पुस्तक को वो जानना चाहता है, उस पुस्तक को जानना चाहता है। पढ़ने का मतलब है जानना, वो उस पुस्तक को नहीं बल्कि उसके लेखक की अंतरात्मा को जानना चाहता है। उसका जिज्ञासु भाव बढ़ता जाता है, और ये जिज्ञासु भाव बढ़ना या जानने की इच्छा करना, ये ही विद्यार्थी होना है। ज्ञान का कोई अंत नहीं है, ज्ञान अनंत है, अनंतम ज्ञानम ब्रह्म, ये अनंत है ज्ञान। आप जितना जितना पढ़ते चले जाएंगे उतना उतना ज्ञान और आगे बढ़ता चला जाएगा। ज्ञान लगातार विकसित होता है भिन्न रूपों में, तो आपकी जिज्ञासा हमेशा बनी रहनी चाहिए। आप कितने भी बड़े लेखक हों, आप विद्यार्थी हों, मैं उसी चरण में हूं, किताब पढ़ता हूं तो जानना चाहता हूं कि मैं इसको कितना समझ पा रहा हूं। आलोचना मित्रों मेरे लिए एक आत्मबोध का कर्म है, आपके लिए नहीं लिखता, आपके लिए नहीं लिखता, मैं अपने लिए लिखता हूं। जो ये कहा जाता है कि सर्जक स्वांत सुखाय लिखता है, मैं कहता हूं आलोचक भी स्वांत सुखाय ही लिखता है। स्वांत सुखाय पहला मंत्र है लेखन का। हालांकि प्रगतिवादियों ने और दूसरे लोगों ने उसको तुच्छ बना दिया है, ये कह दिया कि शांत सुखाय होना ये स्वार्थ का काम है, ये गलत। शांत सुखाय के विषय में निवेदन करूं आपसे कि पहले तो हमारे जो लेखक मित्र हैं, जो हमारे विद्यार्थी हैं, जो हमारे अध्यापक हैं, वो यही नहीं जानते कि स्वांता का अर्थ क्या है। क्षमा करें मुझे, स्वांता का अर्थ क्या है यही नहीं जानते। मित्रों, आप स्वांता की निंदा करते हैं इसलिए कि आप ये सोचते हैं कि स्वांता में स्व और अंत की संधि है, तो आप ये लगा लेते हैं कि हमारे हृदय, तो आप इसको स्वार्थमय बना लेते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है।
मैं संस्कृत भाषा का अध्ययन केंद्र में खड़ा हूं। संस्कृत के लोग जानते हैं इस बात को कि शांत हृदय मात्र के लिए एक शब्द है, संधिगत शब्द नहीं है। कोशों को देखिए, पढ़िए, जो आपको हिंदी तक के कोशों में ये शांत शब्द केवल हृदय के लिए मिलेगा। और हृदय माने मेरा और आपका, सबका हृदय, सामान्य हृदय। तो शांत सुखाय का मतलब है सामान्य हृदय के लिए लिखना, केवल अपने हृदय के लिए नहीं, सामान्य के लिए लिखना। तो शांत सुखाय, जब गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं शांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, तब वो क्या कहते हैं, वो यही कह रहे हैं कि हृदय को जो अच्छा लगेगा वो रघुनाथ गाथा में आपको कह रहा हूं। वो हृदय को लगने वाला आपके हृदय को भी लगेगा और मेरे हृदय को भी छुएगा। अज्ञेय और आज के लोग बड़ी खींचतान करते हैं संप्रेषण और संवेदन पर। तुलसीदास जी इसी संवेदन को बता रहे हैं। ये संवेदन पहला मंत्र है लेखन का। इस संवेदन को, इस हृदय के स्पर्श को लेकर के ही कवि कवि बनता है। तो तुलसीदास जब शांत सुखाय कहते हैं तो उनका शांत सुखाय अपने तक सीमित नहीं होता, इसलिए उनका दूसरा मंत्र है परहित सरिस धर्म नहीं भाई। तुलसीदास से बड़ा कोई धार्मिक लेखक नहीं हुआ हिंदी में। उस धर्म को वो बता रहे हैं कि परहित सरिस धर्म में, दूसरे के हित करने से अधिक बड़ा कोई धर्म नहीं है। जिसको ये मूल मंत्र मालूम है परहित का, वो स्वहित की बात नहीं सोचता, वो शांत सुख में आपका मेरा उनका सबका दुख सुख आत्मसात करता है। उस सुख को आत्मसात करके ही सबसे, आप ध्यान दीजिए, रामचरितमानस अगर आपने पढ़ा हो, न पढ़ा हो तो पढ़ के देख लीजिए, रामचरितमानस में अंत में, उत्तरकांड में अंत में जाकर के तुलसीदास फिर लिखते हैं। इस शब्द का प्रयोग दो बार और करते हैं, केवल तीन बार उन्होंने रामचरितमानस में इसका प्रयोग किया है, एक आरंभ में और दो बार उत्तरकांड में। उत्तरकांड में फिर कहते हैं कि शांतस्तमः शांते, मैंने जो ये गाथा कही है ये किस लिए कही है, शांत अंधकार को, तम को हटाने के लिए कही है। ये मूल मंत्र है उनका। जो आप निवेदन करते हैं, कोई कवि लिखता है, वो इस अंतरात्मा की इस प्रेरणा से लिखता है कि वो दूसरों का, अपना, सबका अंधकार दूर करे। शब्द की सत्ता ही ऐसी है, आचार्यों ने कह रखा है कि इदम अंधतमं कृत्स्नं जायेत भुवनत्रयं, यदि शब्दावयं ज्योति
असंसारान नदी पेते। यदि शब्द की ज्योति इस संसार में नहीं होती तो इस सब अंधकार में होता, उस अंधकार को शब्द हटाता है। उसी अंधकार की बात कर रहे हैं तुलसी, किसी और अंधकार की बात नहीं। हमारा जीवन व्यतीत होता है तो इस बात पर कि तमसो मां ज्योतिर्गमय, लीड काइंडली लाइफ लाइट, मुझे अंधकार से प्रकाश में ले चलो। अंधकार से प्रकाश में आप शब्द के माध्यम से पहुंचते हैं, अंधकार से प्रकाश में आप तभी पहुंच सकते हैं जब आप शब्द की साधना करते हैं। एक साहित्यकार का ये बड़ा भारी महत्व है, इस शब्द की साधना अपने अंदर ही होती है। यानी मैं इस शब्द की साधना पहले आत्मबोध से शुरू करता हूं और ये आत्मबोध ही धीरे धीरे विकसित होकर के साहित्य का रूप धारण करता है। तो मित्रों, आलोचक जो है या लेखक जो है वो पहले आत्मबोध उसका मूल मंत्र है। लेखन करना वाला व्यक्ति आत्मबोध से शुरू करता है और वही आत्मबोध धीरे धीरे दूसरों का बोध बनता चला जाता है। मैं जो कुछ लिखता रहा हूं, मेरे अब कहने का अभिप्राय क्या है, मेरे कहने का अभिप्राय है कि मैं जो कुछ लिखता रहा हूं वो आपके लिए नहीं, अपने। एक अध्यापक में जो मेरे कर्तव्य भावना जागृत रही और एक अध्यापक में जो एक विद्यार्थी का तत्व जागृत रहा, उसने मुझे हमेशा जगाए रखा और जो बात मैं समझ नहीं पा रहा हूँ उसको समझने का प्रयत्न करता रहा। यह लेखन उससे संबंधित है। आचार्य स्मरणाचे सत्कार मूर्ति आणि माझे शेजारी मी विद्यालयात आल्यापासून आणखी जवळजवळच राहत होतो, मी रिटायर झाल्यानंतरही जवळजवळ घर बांधलेले, त्यामुळे एक प्रकारचा आमचा घरगुती सहवास आहे। जसे प्रोफेसर दीक्षित इतर सर्व मान्यवर मंडळी आपण सर्व जण आई बंधू गेले, खरंतर मला या समारंभासाठी त्यांचा सत्कार करण्यासाठी काय म्हणून आहे मला काही कळालं नाही, त्या विषयाचाही मी नाही आहे। की सगळे साहित्यिक मंडळी मी जवळ जमा झालेला आणि मी कुठंतरी विज्ञानामध्ये किंवा शिक्षणामध्ये काम करणार माणूस आहे, त्यामुळे मला काय नाही म्हटलं हा एक भाग आहे, परंतु मेडी अंक हा जो काढलेला आहे त्याच माझं चिंतन चाललेलं असतं, मनन चाललेलं असतं आणि काही नवीन नवीन गोष्टीही करत असतो, त्या संदर्भात मी इथं काही बोलू इच्छितो। पहिलं डॉक्टर आनंद प्रसाद दीक्षितांनी जे काही कार्य केलेलं आहे ते तुम्ही म्हणे कुठलातरी नॉर्थ इंडियामध्ये राजस्थान युपी येऊन इथं एक खेळ म्हणून 35 वर्ष राहायचं, इथंच पुढचं जीवन घालवायचं आणि त्यांनी एक मोठं स्कूल ऑफ थॉट म्हणतं एक विचारधारेचा एक शाळा ही त्यांनी इथं निर्माण केली आहे, माझ्या दृष्टीने फार महत्त्वाचं कार्य। पण अशा तऱ्हेचे निराळा विचार करणारं जे स्कूल असतं ते कायमचं राहतं, ते जातील, त्यांचे विद्यार्थी जातील, पण तुम्ही जी विचारधारा संशोधनाबद्दल तुम्ही केलं आहे ती वैश्विक करणं, वाढवणं, विस्तारित करणं आणि त्याच्यामध्ये तुझं जर जात राहणं हे एका कोणत्याही स्कूलचं काम असतं, ते स्कूल सुरू करणारे हे इथे आहे।
म्हणून त्या दृष्टीने मी तुमचं पुन्हा एकदा अभिनंदन करतो. आणि आणखी होईल हे नवं तंत्रज्ञान आल्यानंतर आणखी ते मोठ्या प्रमाणात प्रसार आणि प्रचार होईल. खरा प्रश्न असा आहे की या सगळ्या प्रक्रियेमध्ये ज्याला विद्यार्थी आपण म्हणतोय, विद्यार्थी किंवा विद्यार्थ्यांना शिकवणारे किंवा पुन्हा स्वतः विद्यार्थी असणारे असे शिक्षक आणि एकूण शिक्षणाची काय अवस्था आहे असं जर आपण आज बघितलं तर मला असं वाटतं की सर्व पातळ्यांच्या वरती प्रश्न निर्माण झालेले आहेत की कधीतरी आपण आपल्या प्रश्नांच्याकडे नीटपणे गंभीरपणे पाहण्याची फार फार आवश्यकता आहे. म्हणजे उदाहरणार्थ ज्यांना आपण विद्यार्थी असं म्हणतो आहोत हे विद्यार्थी खरोखर त्यांचं वर्गात येणं वगैरे हे सगळं कशासाठी आहे? म्हणजे खरोखर ज्ञान मिळवणं असा त्यांचा हेतू आहे का? किंवा ज्ञान मिळवू इच्छिणारे खरोखर किती विद्यार्थी तुमच्या माझ्या समोर बसलेले असतात हा एक प्रश्न आहे. थोडं आपण पुढे गेलो तर शिक्षकांच्याकडे सुद्धा येऊ. शिक्षकांच्याकडे आल्याबरोबर आपल्याला असं दिसतं की आज फार मोठ्या प्रमाणामध्ये शिक्षक आहे विद्यापीठामध्ये महाविद्यालयामध्ये शिक्षक आहेत. तर हे सर्व शिक्षक खरोखर त्या विद्यार्थ्यांच्या मधली ज्ञान लालसा जागृत करू शकतात का आणि पूर्ण करू शकतात का हा एक आजचा फार महत्वाचा गंभीर प्रश्न आहे. हे मी यासाठी आपल्याला सांगतो आहे याच्या म्हणजे शिक्षणामध्ये विद्यार्थी आणि शिक्षक यांच्यामध्ये किंवा शिक्षकाला विद्यार्थ्याला ज्ञानाकडे नेण्यामध्ये आणखी एक महत्वाचा घटक असतो आणि हा महत्वाचा घटक म्हणजे संशोधन या नावाचा. खरोखर आपल्या देशामध्ये होणारं ते संशोधन आहे ह्या संशोधनाचा दर्जा काय आहे सध्या फॅकल्टीमध्ये आणि त्याचं प्रमाण काय आहे, त्याचं किती टक्के भारतीय माणूस संशोधन करतो. आणि आज आपल्याला असं दिसतं आहे की विद्यापीठ अनुदान मंडळासारखी मंडळं कुठे जागरूकपणे सर्व विद्यापीठांच्या मधल्या संशोधनाकडे बघायला लागली. प्रश्न निर्माण झालेले एकूण तुमच्या माझ्या सबंध शिक्षण प्रक्रियेच्या संदर्भात इतके असंख्य प्रश्न निर्माण झालेले आहेत की शासनापासून ते विद्यार्थ्यापर्यंत, मूल्यमापनापासून ते संशोधनापर्यंत असे असंख्य प्रश्न निर्माण झालेले आहेत. अशा एका कालखंडामध्ये ज्ञाननिष्ठ शिक्षक कसा असावा याच एक उत्तम उदाहरण म्हणजे आनंद प्रकाश दीक्षित. आणि आता खरं म्हणजे मी पुष्कळ लोक असे पाहिले की निवृत्त झाल्यानंतर आता कशाला वाटायचं काय कारण आहे. आणि काही लोक तर मी असे बघितले की जे म्हणजे आधी सुद्धा व्यवसायच करत होते पण नंतर मग फार ऍक्टिव्हपणे ते व्यवसाय करायला लागले. हा आणि त्याचं ते म्हणाले की आम्ही राष्ट्र निर्मितीमध्ये हातभार लावतो आहोत असं म्हणायला लागले. वाचन अमुक तमुक काही मुद्दा राहिला नाही. या वयामध्ये सुद्धा डॉक्टर दीक्षित हे त्यांच्या काळात नाही वाचत ते आजचंही वाचत
जी ज्ञान लालसा आहे, जी ज्ञान लालसा आता हरवत चाललेली आहे। खरं म्हणजे आपल्याकडे ह्या शिक्षणाचा जो प्रारंभ झालेला आहे त्याला 200 वर्ष झाले। अगदी प्रारंभापासून या शिक्षणाच्या मागे शेपूट लागलेलं आहे आणि ते शेपूट आहे ते नोकरी। आणि आपल्या सगळ्यांच्या पुढचा सगळ्यात महत्त्वाचा प्रश्न असा आहे की शेपूट कसं तोडायचं, कारण विद्यार्थी शिकतो तो कशासाठी, तो नोकरी मिळण्यासाठी, त्याला नको। मग नोकरी मिळवण्यासाठी जे जे करता येईल ते करतो आणि नव्या काळात तो आता शिक्षकी पेशा देण्यासाठी 40-40 लाख रुपये सुद्धा देऊ लागलेला आहे। हे जे शेपूट आहे, हे शेपूट मला असं वाटतं की आम्हा सगळ्यांना त्या ज्ञान मार्गाकडे जाऊ देत नाही। अशा एका कालखंडामध्ये म्हणजे हे जे आपल्या सगळ्या शिक्षण परंपरेमध्ये हे जे अनौपचारिक शिक्षण गेल्या 200 वर्षात सुरू झालेलं आहे त्याच्यामध्ये हे सगळं आहे। अशा एका काळामध्ये एक दुर्मिळ अशा प्रकारची जी प्रजाती असावी तसे आमचे आनंद प्रकाश दीक्षित त्यांच्या माझ्या भेटीगाठी झालेल्या आहेत जुन्या काळामध्ये, आता अलीकडे भेटीगाठी झालेल्या आहेत। प्रत्येक वेळेस गेल्यानंतर आपण अधिक समृद्ध झालेलो आहोत असा आपल्याला अनुभव येतो। पुन्हा आणखी एक मुद्दा असा येतो की जसजसं वय वाढत जातं तसं तसं नव्या येणाऱ्या पिढीचं साहित्य कळेलच असं होत नाही। म्हणजे असं होतं की नवी नवी कविता येते, नवी नवी प्रतिमा सृष्टी येते, नवीन नवीन विचार येतात आणि मी माझ्या काळाचा एक माझ्या काळामध्ये चिरलेला असू शकतो, त्यासाठी म्हणून मला स्वतःला शासन करणं, मला स्वतःला तासून घेणं, मला स्वतःला पुन्हा अगदी या काळापर्यंत आणून ठेवणं ही सुद्धा एका प्रकारची तपश्चर्या असते आणि मी फार पुढे लोक फार पुढे लोक आनंद प्रकाशजी हे यापैकी एक नाव आहे। म्हणून मी खरं म्हणजे शब्दसृष्टी हा जो हे जे प्रतिष्ठान आहे या प्रतिष्ठानच्या या डॉक्टर विजया पुरस्काराला पहिल्या वर्षापासूनच प्रतिष्ठा प्राप्त झाली ती दीक्षितांच्यामुळे असं मी नक्की सांगेन। आणि हा पुरस्कार घेण्यासाठी लोकांना अधिक आनंद वाटेल। सर्वप्रथम मी डॉक्टर आनंद प्रकाश दीक्षितांचे आभार मानतो की त्यांनी हा आमच्याकडनं हा पुरस्कार स्वीकारला। हा ॲक्च्युली आमचा सन्मान आहे, कारण एवढ्या मोठ्या व्यक्तिमत्वाने एवढं त्यांनी काम केलेलं आहे। मला त्यांचा परिचय काही दिवसापूर्वी झाला म्हणजे वाचून, आणि आज प्रत्यक्ष भेटायचा प्रसंग आला आणि मला फार गोष्टी कळल्या की माणूस हा शेवटपर्यंत हा विद्यार्थी असतो आणि तो राहायला पाहिजे। तसेच डॉक्टर राम तापाले सरांनी आपला वेळ काढून इथं आल्यात, डॉक्टर कोतापल्ले सर, डॉक्टर रामजी तिवारी, गजानन चव्हाण सर, आणि एकदम सुंदर ज्यांनी आपलं संचालन केलं ते डॉक्टर सुनील देवधर साहेब, प्रिन्सिपल आनंद मुकुंद आंदळकर साहेब, आमचे गुरुवर्य प्रकाश करमाडकर आणि असे अनेक लोकांनी या कार्यक्रमासाठी सहभाग दिलेला आहे। काही जे लोक जे शब्दसृष्टीबरोबर काम करतात त्यांनी बरंचसं काम केलेलं आहे, म्हणजे मनोहर साहेबांनी जर 95% काम केलं तर 5% काही लोकांनी दुसऱ्याला पण त्यामध्ये सहभाग आहे, त्यांचा पण मी सगळ्यांचा आभार मानतो। सदानंद भोसले साहेबांनी ज्या हा हॉल अरेंज करून देण्यात मदत केली त्यांचाही आम्ही आभार मानतो, त्याच्या संस्कृत डिपार्टमेंटचे सुद्धा आम्ही आभार मानतो। हे सगळ्यांचा आभारी आहे।